हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की। आज है 13 जून 2018 और आज के वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.examguruji.com या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आज हम जिस देश की चर्चा करेंगे वो है मॉरिशस। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खबर, यदि आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ अपनी कोचिंग संस्थान के नाम से प्राप्त करना चाहते हैं या कोचिंग संस्थान का विज्ञापन इस पीडीएफ में देना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 09826590517। सबसे पहला सेगमेंट हमारे करंट अफेयर का, कल के प्रश्नों को हम इसमें रिवीजन करेंगे। 5 सेकंड में उत्तर दीजिएगा आप। कल का पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कि भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे उच्च जोखिम राज्य कौन सा है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न हमारा था, संघ लोक सेवा आयोग का तत्कालीन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है अरविंद सक्सेना। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस पद के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की अपेक्षा सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है आईएएस अधिकारी। चौथा प्रश्न था कि केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने और उसे तेज करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है रेल मदद। साथ में एक और ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम था मेनू ऑन रेल्स, तो उसको भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग कर कौन प्रथम बार बाढ़ के पूर्वानुमान जारी करेगा। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है भारत का मौसम विभाग। अगला प्रश्न है छठवां, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा प्रेषक देश कौन सा है। उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है भारत। नंबर वन पे कौन है, चाइना। सातवां प्रश्न हमने पढ़ा था कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक में किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के से गुजरने वाली चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया। उत्तर दीजिए। इसका भी सही उत्तर है भारत। आठवां प्रश्न हमने कल पढ़ा था कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त नुकसान कितने करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है 87,357 करोड़। नवा प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में हुई हिंसा से भारत में जीडीपी को कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है 9%। और दसवां प्रश्न हमने कल पढ़ा था कि किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन का मॉरिशस ओपन खिताब जीता है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है सिमरन सिंघी और रितिका थाकर। आई होप कि ये सेशन आपको आ रहा होगा पसंद, तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। और पहला प्रश्न है कि हाल ही में गांव के लिए कितने सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC वाईफाई चौपाल के नाम से शुरू किए गए हैं, और ये जो शुरू किए गए हैं 500 शुरू किए गए हैं। क्या है इनकी डिटेल देख लीजिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के, तो उन्होंने नई दिल्ली के सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम में से 500 CSC यानी वाईफाई चौपाल का उद्घाटन किया है। और ये सेंटर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करेंगे। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का मतलब ये होता है कि बैंकिंग की सुविधाएं भी यहां से ली जा सकेंगी और बाद में यहीं से जो है मुद्रा लोन भी प्रदान किए जाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने रेल मंत्री, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में एक साइन हुआ MOU, और उसमें कहा गया है कि अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसे रेलवे की बुकिंग भी वहां पर की जा सकेगी, यानी कि रेलवे की बुकिंग भी की जा सकेगी, मुद्रा लोन बैंकिंग का काम भी वहां पर किया जा सकेगा। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। तो और अभी तक भारत के अंदर बात करें तो 2,90,000 से ज़्यादा CSE यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में आप सभी को
पता ही होगा, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन चलता है, जहाँ से गवर्नमेंट की जानकारियाँ आप, जहाँ से गवर्नमेंट के फॉर्म भर सकते हैं, इस तरह की और भी जो सरकारी सर्विसेज हैं उनका लाभ जिस सेंटर से जाके ले सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर, ऑनलाइन सेंटर ये होता है। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने नए स्वच्छ दर्शनीय स्थलों को तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ है, यानी कि दो चरण इसके पूरे हो चुके हैं, तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ है और इसमें कितने दर्शनीय स्थलों को शामिल किया गया है, इसमें 10 दर्शनीय स्थलों को शामिल किया गया है। क्या है डिटेल? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की एक एक परियोजना है, उसी के अंदर एक स्कीम है, सब स्कीम है, उसका नाम है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, यह SIP के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका तीसरे चरण के लिए 10 और जिसमें जो स्थान है उनका चयन किया गया है और तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ 12 जून को मांडा गांव। ये मांडा गांव कहाँ है? ये मांडा गांव जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास में है और मांडा गांव को भी इसमें इन 10 में चयन किया गया है। कौन कौन से ये 10 स्थल हैं, इनके नाम और इनकी लोकेशन याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए कि किन स्थलों का चयन किया गया, कभी कभी सिर्फ ये पूछा जाएगा कि राघवेंद्र स्वामी मंदिर कहाँ है, और ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो राघवेंद्र स्वामी मंदिर ये कुरनूल के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। हजार द्वारी पैलेस ये है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के अंदर। ब्रह्मा सरोवर मंदिर ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। विदुर कुटी ये बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। माणा गांव ये चमोली जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पर है। पेगांग झील ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। नाग वासुकी मंदिर ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इमा केथल या इमा मार्केट ये इम्फाल मणिपुर के अंदर बहुत फेमस है। और सबरीमाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सबरीमाला मंदिर ये केरल के अंदर है और कंडवाश्रम ये उत्तराखंड के अंदर है। तो इन जगहों को और इसके अंदर शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लें तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर 2019 तक इसका लक्ष्य है, जब महात्मा गांधी जी की 185वीं वर्षगांठ होगी, भारत को खुले से शौच से मुक्त करना, यानी कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना, ODF बनाना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है SRMS को किया गया है, SRMS जी को नियुक्त किया गया है। क्या है इनकी डिटेल में हम देख लेते हैं। तो SRMS को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का अध्यक्ष बनाया गया है और ये नियुक्ति किसने की है? ये नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, यानी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय, महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनके अंदर जो नियुक्तियाँ की जाती है, तो एक मंत्रिमंडल जो हमारा है उस मंत्रिमंडल में अलग अलग समितियाँ होती हैं, उसमें से नियुक्ति समिति है, उसने जो है SRMS साहब को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, नियुक्ति समिति का। और ये जो है अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के यानी कि CBIC के अभी तक सदस्य थे, अब ये क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। और किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे श्रीमती वानजा एस सरना का स्थान लेंगे और जो जून 2018 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगी। चलिए शरद कुमार की हम बात कर लेते हैं। शरद कुमार को हाल ही में क्या बनाया गया है? इनको CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या सतर्कता आयोग में आयुक्त बनाया गया है। वहीं सुधा बालकृष्णन को जो है RBI का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है और मनोज कुमार जैन को चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया है RBI के अंदर ही। इनको भी याद रखिएगा आप इनके नामों को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC की बात करें तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन ही आता है और वर्तमान में वित्त मंत्रालय किसके अधीन है? वर्तमान में वित्त मंत्रालय जो है अरुण जेटली जी के अधीन है, अरुण जेटली जी का मंत्रालय है ये। तो राजस्व विभाग का एक ये हिस्सा है। इसका पहले नाम क्या था? अभी हाल ही में 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया था तो इसका नाम चेंज किया गया था। इसका नाम था पहले केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्पाद की जगह पर क्या जोड़ दिया गया है इसमें? उत्पाद की जगह पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया गया है। ये क्या करता है? लेवी और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, इनकी वसूली का काम, इनकी वसूली से संबंधित नीतियां बनाता है और इसके अधिकार क्षेत्र में जो जगह आती है उनमें तस्करी रोकने का काम, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नार्कोटिक्स के संबंधित जो मामले होते हैं उनको देखने का काम ये करता है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए कितने अतिरिक्त स्कूलों का चयन किया है? तो ये जो चयन किया गया है 3000 और स्कूल चयन कर लिए गए हैं। क्या है ये आखिर योजना पूरी, इसको देख लेते हैं कि नीति आयोग की एक पहल है और उस पहल का नाम है अटल नवाचार मिशन AIM और अटल टिंकरिंग लैब उसी की एक
सब कंटेंट है किसका, ये अटल नवाचार मिशन का। इसकी स्थापना और जो है 3000 और स्कूलों का चयन इसके तहत कर लिया गया है और अब कुल जो स्कूलों की संख्या हो गई है 5441, यानी पहले कितने थे 2441, 3000 और जुड़ गए तो 5441 इसमें स्कूलों को शामिल कर लिया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, देश में जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें बच्चों के बीच में नवाचार और उद्यमिता की भावना को विकास करने के लिए ये अटल टिंकरिंग लेब जो है इसकी स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हम जो देख रहे हैं हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो, हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, प्लस वो जो इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान हम नहीं देते, हम जो ढर्रा परंपरागत चला रहा रटने पर उस पर ध्यान देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जैसे पास आउट होते हैं फिर वो नौकरियों की तरफ भागते हैं, ना कि वो खुद का इनोवेशन करके समाज के अंदर कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो उसके लिए काफी अच्छा है, इसमें अगले 5 वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपए पर उसको दिए जाएंगे और इसका जो है भारत के प्रत्येक जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। नीति आयोग की बात कर लें, इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है NITI का। भारत सरकार का एक संस्थान है, ये थिंक टैंक है, थिंक टैंक मतलब भारत सरकार को ये जो है सोचकर सलाह देता है और इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत और अभी हाल ही में खबर आई थी कि इन्होंने जो पदेन सदस्य थे उनमें 4 सदस्य हुआ करते थे अब तक, लेकिन उसको बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 5, एक और मंत्री जोड़े गए हैं। अगर आपको याद है तो वो कौन से मंत्री जोड़े गए हैं मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। इसके अध्यक्ष कौन होते थे, इसके अध्यक्ष पदेन्द्र प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को सिंचाई प्रणाली के लिए 99 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता, ध्यान दीजिएगा मिलियन रुपये है, डॉलर नहीं है, तो इसकी वित्तीय सहायता दी है, तो ये जो दी गई है नेपाल को दी गई है। किस लिए दी गई है वो भी हम देख लेंगे, सिंचाई प्रणाली के लिए दी गई है और 1 मिलियन के बराबर कितना होता है 10 लाख, ये भी आप याद रखिएगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो 12 जिलों में 2700 उथले ट्यूबवेल से जो है सिंचाई प्रणाली यहाँ पर विकसित की जाएगी, उसके लिए 99 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और ये हमारे और भारत के बीच, नेपाल के बीच में नेपाल भारत मैत्री सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई थी और उसका ये अंतिम किस्त था, तो अंतिम किस्त के रूप में ये सहायता राशि दी गई है और इसके अंदर जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए ये परियोजना हमने लागू की थी, नेपाल भारत मैत्री सिंचाई परियोजना। वर्तमान में मंजीव सिंह पुरी जो है नेपाल के अंदर भारत के राजदूत हैं। नेपाल की राजधानी की बात कर लें तो काठमांडू है। KP शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी दूसरी टर्म में यहाँ की राष्ट्रपति हैं और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपए और लगभग 1 इंडियन रुपीस के बराबर 1.60 या 1.60 रुपये 1.60 रुपये नेपाली पैसे यहाँ का होता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा। हर 3 वर्ष के अंतराल पर ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस बार इसका जो मेजबानी करेगा वो मॉरिशस करेगा। मॉरिशस की हम डिटेल में देख लेंगे क्योंकि आज ये हम मैप में भी इसकी चर्चा करेंगे। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा और कौन आयोजित करता है इसे, विदेश मंत्रालय आयोजित करता है। किसके सहयोग से आयोजित किया जाएगा इस बार, ये मॉरिशस सरकार के सहयोग से। कब से कब तक होगा, तो 18 से 20 अगस्त 2018 तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा, तो मॉरिशस में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार का इसका विषय क्या है, तो वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कार, ये इस बार का विषय है। वो स्थान जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पाइल्स मॉरिशस की जगह का नाम है ये। और सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था और तभी से ये अलग अलग देशों में इसको आयोजित किया जाता है। अब तक 10 आयोजित हो चुके हैं और हर 3 साल के अंतराल पर होता है। 2015 में इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, 8 से 10 सितंबर तक 10वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन था वो। मॉरिशस बात कर लेते हैं, राजधानी इसकी पोर्ट लुई है, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं प्रवीण जगनाथ और मुद्रा की बात कर लेते हैं, मॉरिशियाई रुपया इसकी मुद्रा है, 1 मॉरिशियाई रुपये के बराबर 2 इंडियन रुपीज़ होते हैं। अब इसकी हम मैप पर चर्चा कर लेते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है हमारा भारत और हमारे भारत से यदि आपको पहुंचना है मॉरिशस तो नीचे यानी दक्षिण की तरफ आपको जाना होगा। दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये है आपका मेडागास्कर और मेडागास्कर के बगल में ये है मॉरिशस, छोटा सा द्वीपीय देश है, टापू है समुद्र के अंदर। और कौन से समुद्र के अंदर है, ये हिंद महासागर के अंदर है। क्या क्या है इसकी डिटेल में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है
इसकी राजधानी पोर्ट लुइस इसी के अंदर है, ये मॉरिशस की। ये जो आपको बगल में द्वीप दिखाई दे रहा है, ये जो द्वीप है इसे इसका नाम जो है रियूनियन है, और ये फ्रांस का द्वीप है। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस की टेरिटरी है, ये मत समझिएगा ये इसकी है। इसकी टेरिटरी कहाँ है? ये जो है इसी का द्वीप है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यानी ये और ये एक ही है, और ये जो है फ्रांस का भाग है। इसके आसपास और कौन कौन से देश पास में पड़ते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास में कौन पड़ता है, तो इसके पास में मॉरिशस के पास में मेडागास्कर पड़ता है, इस तरफ देखेंगे तो आप, ठीक है। और इस तरफ फिर ये अफ्रीका आ गया, अफ्रीका में ये मोजाम्बिक है, ऊपर ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है यहाँ पर, यानी ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर एक छोटा सा टापू है, जिसका ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा है, इंडियन ओशियन के अंदर ब्रिटिश इंडिया का नहीं, ब्रिटेन का कब्जा है यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये जगह भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में अमेरिका और किस देश के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और ये जो समझौता हुआ है अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में हुआ था, जिसको सारे विश्व को बहुत दिनों से इंतजार था। 12 जून को ये जो बैठक थी दोनों देशों की, ऐतिहासिक बैठक ये आयोजित हुई, पहले एक बार तय हो गई थी, फिर बीच में ट्रंप साहब ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद फिर से ये इसका आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता हैं किम जोंग उन, उनके बीच में ये मुलाकात हुई, और दोनों देश के नेताओं ने सिंगापुर समझौता, नाम याद रखिएगा इसका, क्या नाम है इसका, सिंगापुर समझौता, सिंगापुर समझौता पर हस्ताक्षर किए। और दोनों के द्वारा संयुक्त बयान जो जारी हुआ है उसमें कहा है कि उत्तर जो कोरियाई प्रायद्वीप, ध्यान दीजिएगा ये कोरियाई प्रायद्वीप की बात हो रही है, ना कि सिर्फ उत्तर कोरिया की। तो कोरियाई प्रायद्वीप में कौन कौन से द्वीप शामिल है, उत्तर कोरिया भी शामिल है और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। तो वहां पर पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उत्तर कोरिया तैयार है, क्योंकि इन्हीं के पास परमाणु हथियार हैं, उत्तर कोरिया के पास में ही। और अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी दी है, यानी दोनों देशों ने किया कि आप परमाणु हथियार छोड़ें अपने, हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। इससे पहले क्या स्थिति थी आप सब जानते हैं, एक दूसरे को कितने बुरी तरीके से गरिया रहे थे ये दोनों नेता, और कितने परमाणु हमले की एक दूसरे पर हम बार बार धमकी दे रहे थे। ट्रंप ने किम जोंग उन को जो है किम जोंग को व्हाइट हाउस आने का भी न्योता दिया है, और ये जो किम जोंग उनकी पहली सबसे लंबे समय की विदेश यात्रा, इतने लंबे समय तक अभी ये आदमी अपने देश से बाहर नहीं रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं, राजधानी वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, एक अमेरिकी डॉलर के बराबर 60 इंडियन रुपीज होते हैं। उत्तर कोरिया की बात कर लेते हैं, राजधानी प्योंगयांग है, तानाशाह है किम जोंग उन, मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान, और एक इंडियन रुपीज के बराबर 13 उत्तर कोरियाई वान होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 12,000 वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग मिली है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना से ये रॉक पेंटिंग मिली है, मेमथ के वहां पर चित्र बना हुआ है, ये प्रतीकात्मक चित्र, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सोचो कि यही ओरिजिनल चित्र है, प्रतीकात्मक चित्र है। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने पुष्टि की है कि चीन का जो है हिलोंग जियांग प्रांत है, वहां की जो लेसर खिंगन पर्वत है वहां पर ये चित्रकारी मिली है, और इसकी आयु लगभग 12,000 साल पुरानी है। इनमें तीन मेमथ हाथियों की एक प्राचीन प्रजाति मेमथ, जिनके दांत काफी बड़े इस तरह से हुआ करते थे, उन्हें मेमथ कहा जाता था, जो अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, तो उसकी चित्र इस पर बनाए गए हैं। और पुरातत्व मानते हैं कि ये चित्र किसी ब्रश से नहीं बनाए गए, बल्कि उंगलियों से बनाए गए हैं, और मेन जो इसमें यूज किया गया है वो गेरू का यूज किया गया है। चाइना की बात कर लेते हैं, राजधानी बीजिंग है, सी जिनपिंग जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है, ध्यान दीजिएगा मुद्रा रेनमिनबी है, और इसको युआन भी कहा जाता है, ये इसको याद रखिएगा, और एक रेनमिनबी लगभग 10.5 इंडियन रुपीज के बराबर होती है। बात करते हैं 9वें प्रश्न की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया गया 12 जून को, याद रखिएगा 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 5 जून को क्या मनाया गया, पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, और 21 जून को क्या मनाया जाएगा, योगा दिवस, इन दोनों को आप याद रखिएगा। क्या है डिटेल इसकी देख लेते हैं, तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस दुनिया भर में मनाया गया, और इसमें क्या किया जाता है, तो बाल श्रमिक जो होते हैं उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई जाती है। इससे संबंधित जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करता है, ये बाल श्रम की वैश्विक सीमा और उसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ इसका शुभारंभ किया गया था इसी के द्वारा। यानी वैश्विक सीमा मतलब इतने से कम उम्र के लोगों को जो है आप श्रम पर नहीं रखेंगे, तो वो इसमें जो है तय किया जाता है।
इस वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस और कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल दिवस, ये दोनों दिवस एक साथ मनाए जा रहे हैं और इससे लोगों को जो है सुरक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ कामकाजी लोगों का स्वास्थ्य और बाल श्रम समाप्त करने पर जो है वो इस पर बल दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर लें, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। इसके सदस्य कितने हैं, 187, 186 नहीं, 187 देश इसके सदस्य हैं। और 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दिया जा चुका है, इसको याद रखिएगा। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने रूस में उमा खानोव मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जो है स्वीटी बोरा, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। क्या है इसकी डिटेल हम देख लेते हैं, तो भारतीय मुक्केबाज हैं स्वीटी बोरा, नाम याद रखिएगा, और इन्होंने रूस के कास्पिक में 12 जून को उमा खानोव मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ था, उसके फाइनल में इन्होंने किसको हराया, एना अन फिनोजिनोवा को इन्होंने हराया है और ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कुल 7 पदक भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में जीते हैं, जिनमें से 4 कांस्य हैं, 2 रजत हैं और 1 स्वर्ण पदक है। रजत पदक किस किसने जीते हैं, तो पुरुष वर्ग के अंदर ब्रजेश यादव ने और वीरेंद्र कुमार ने, फाइनल में दोनों के दोनों हार गए और फिर इनको रजत पदक मिला। जबकि कांस्य पदक किस किसने जीते हैं, तो शशि चोपड़ा, ये विश्व युवा चैंपियन रह चुकी हैं, पिंकी जांगड़ा और पवित्रा, साथ में गौरव विधुड़ी, इन सब ने सेमीफाइनल में ही ये हार गए थे और इसलिए जो है इनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर्स, हम बात कर लेते हैं मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 36 के उत्तर उसके विजेताओं की। हमने प्रश्न पूछा था वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री कौन है, और सही उत्तर इसका है पीयूष गोयल साहब। सही उत्तर देने वालों में पहला नाम जो है वो है सौरभ बुंदेला भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरे हैं शेर मोहम्मद मेवात हरियाणा, तीसरे हैं रवि जायसवाल सहारनपुर उत्तर प्रदेश, चौथे हैं जयश्री बिरला खंडवा मध्य प्रदेश, और पांचवी हैं नेहा सिंह पश्चिम बंगाल। आप सभी लोगों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम इसमें शामिल हो तो इस प्रतियोगिता के प्रश्न का तो उत्तर दीजिए ही दीजिए, लेकिन प्रारंभ में जो रिविजन वाले प्रश्न होते हैं उनका भी उत्तर देना आपको होगा। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन ए है महाथिर मोहम्मद, बी है जोको विडोडो, सी है प्रवीण जगन्नाथ या डी जस्टिन ट्रूडो। उत्तर देते समय सबसे पहले उत्तर लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, उसके बाद अपने शहर और अपने प्रदेश का नाम लिखें, इसी फॉर्मेट में उत्तर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा, इस वीडियो की यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन डिसलाइक करते समय मुझे कारण जरूर बताइएगा कि आपने इसको डिसलाइक क्यों किया है। आज की बात यहीं समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।